वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ डालिया और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ लौकी की सब्जी की रेसिपी। और ये जो है मैंने भेज में बनाया है, तो आप लोग घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको ट्राई करके अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप मेरे कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ लौकी की सब्जी की रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है लौकी मीडियम साइज़ की, उसको मैंने अच्छे से धो के काट के छील के ऐसे कर लिया है। और उसके साथ मैंने मसाले में लिया है साबुत जीरा 1 टीस्पून, उसके साथ दालचीनी और इलायची, हरी मिर्च 4, और उसके साथ अदरक एंड जीरा का पेस्ट, उसके साथ 1 तेज़पत्ता और 1 सूखी लाल मिर्च, और उसके साथ मैंने लिया है धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, और उसके साथ घी चाहिए मुझे 2 टीस्पून के करीब, और है सरसों का तेल। तो सबसे पहले मैंने गैस में जो है कढ़ाई को दे दिया है, और अब इसमें मैंने 1 टेबल स्पून के करीब तेल दिया है, और उसमें 1 टीस्पून घी ऐड किया है। तो आप चाहे तो प्रॉपर घी में भी इसको बना सकते हैं। तो थोड़ा सा तेल जो है गर्म होने के बाद मैंने यहाँ पे साबुत जीरा जो है वो दे दिया है। तो होल मसाले जो है वो मैं ऐड करूँगी इसमें। तो दालचीनी और इलायची भी मैंने दे दिया है, तेज़पत्ता, सूखी लाल मिर्च, ये सारे जो है दे दूँगी। अब इसको थोड़ी देर ढकना पड़ेगा क्योंकि ये जो है थोड़ा चटकने लगता है, तो तब इसमें से तेल निकाल के बाहर आ जाता है। तो अब जो है इसको कुछ सेकेंड फ्राई करने के बाद इसमें मैं लौकी को जो है दे दूँगी। तो लौकी मैं ऐड कर चुकी हूँ, अब मैं इसको थोड़ी देर ऐसे चला लूँगी। और एक चीज़, लौकी में मैं पानी नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि इसमें से जो है पानी निकल के बाहर आएगा, इसमें से बहुत ज़्यादा पानी छोड़ के आता है। ये देखिए कितना पानी निकला है ये इसमें से। अब मैं जो है इसमें मसाले ऐड करूँगी। तो हल्दी पाउडर 1.5 टीस्पून के करीब, और उसके साथ सूखी लाल मिर्च 1 टीस्पून, और इसके साथ मसाले जो मैंने लिया था 2 टेबल स्पून के करीब वो मैं डाल रही हूँ यहाँ पे, और हरी मिर्च भी मैं अभी ऐड कर रही हूँ इसमें, उसके साथ स्वाद अनुसार नमक। अब मैं इसको जो है 5 से 7 मिनट तक ऐसे भून लूँगी अच्छे से। अब मैं इसको ढक दूंगी, और इसको ढक के आप पकाइए ताकि लौकी जो है अच्छे से गल जाए। और ये जो है प्रोसेस आप मीडियम फ्लेम में करें। तो लौकी जो है मेरा अभी भी ठीक से बॉयल नहीं हुआ है, तो अब मैं थोड़ा सा ही पानी इसमें ऐड करूँगी, जस्ट थोड़ा सा, और इसको अभी भी 10 से 15 मिनट के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो 10 से 15 मिनट के बाद देखिए मसाले से जो है तेल थोड़ा बहुत निकल के आ गया है। अब मैं इसमें जो है धनिया पाउडर ऐड करूँगी, और जो है ग्रीन चिली वो मैं ऐड कर दूँगी। तो ये जो है मेरा प्रॉपर गल चुका है, लेकिन ये जो है दिखने में थोड़ा, मैं ऐसा शायद लग सकता है आप लोगों को कि नहीं गला है, लेकिन मैं ऐसा ही रखना चाहती हूँ क्योंकि ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये प्रॉपरली गल चुका है। तो ये मेरा रेडी हो चुका है, ये देखिए। तो अब मैं घी डाल के इसको गैस को जो है ऑफ कर दूंगी, और इसको मैं सर्व कर लूँगी। तो देखा दोस्तों कितना आसान होता है ये रेसिपी। तो आप लोग घर पे तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको ट्राई करके अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट करके भी बताना मत भूलिएगा कि यह कैसा हुआ था। तो मेरा ये पूरा रेसिपी देखने के लिए आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।